चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है कि किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से हटाओ, जिसके लिए सियासी पार्टियां वर्षों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक हो रही हैं और गठबंधन महागठबंधन बन रहे हैं। तो बंगाल में भी एक दूसरे की धुर विरोधी कांग्रेस और वाम दल मोदी रोको अभियान के लिए साथ आ गए हैं, मगर फिर भी मोदी और रफ्तार से बंगाल में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। ममता की टीएमसी और बीजेपी के बीच छिड़ी सियासी जंग रसगुल्ले पर आकर अटक गई है। अब ये मत समझिएगा कि हम बंगाल के मशहूर रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ममता स्पेशल रसगुल्ले की, जो शायद सिर्फ चुनावी मौसम में ही मिलता है। दरअसल मोदी और ममता के बीच रसगुल्ले की जंग पीएम मोदी के उस गैर राजनीतिक इंटरव्यू के बाद शुरू हुई है, जो पीएम मोदी ने बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को दिया था। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल उन्हें कुर्ता और मिठाई भेजती है। देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। अच्छा, that is something very big to know about. सर, अच्छा वो मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहाँ से? स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में एक दो बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। चुनावी मौसम में पीएम मोदी के इस खुलासे के बाद ममता बनर्जी जैसे भड़क गई हो। उन्होंने तुरंत बयान देते हुए कह दिया कि मोदी को इस बार बंगाल की मिट्टी का रसगुल्ला भेजूंगी, जिसमें काजू किशमिश की जगह कंकड़ भी डाल दूंगी, वो खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे। अभी तो लगता है किसी में जाने भी डरता है, खाली बंगाल में ऑर्डर झुकी मारता है। अभी पहले नहीं आया, बाल में नहीं आता है, दुख में नहीं आता है, कोई चीज में नहीं आता है। चुनाव का टाइम में बोलता है बंगाल से वोट चाहिए, हम बोला बंगाल से तुमको हम रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें काकुर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें काकुर लगेगा और थोड़ा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसे ऐसे मिठाई देगा। ममता के इस बयान के बाद अब बारी थी पीएम मोदी की। अपने सियासी दुश्मनों को अलग अंदाज में जवाब देने में माहिर पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि कैसे खुद पर किए वार को हथियार बनाना है। सोमवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में रैली करने पहुंचे और मंच से कह दिया, दीदी आपका मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला भी मोदी को कबूल है। ममता के मिट्टी वाले रसगुल्ले पर खेल गए मोदी ने इसे बंगाल के महापुरुषों से जोड़कर जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि इसके लिए मैं आपका आभार जताता हूं। और दीदी ने माटी और मानुष की बातें कही थी ना, दीदी ने माटी को छोड़ दिया है और दीदी ने घोषणा की है कि वो अब मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाना चाहती है। वाह, क्या सौभाग्य है, दीदी मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाएगी। भाइयों बहनों, बंगाल की मिट्टी का रसगुल्ला का मतलब क्या होता है? जिस मिट्टी पर
रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, जिस मिट्टी पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए, जगदीश चंद्र बोस हुए, नेताजी सुभाष बाबू हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष, अनगिनत महापुरुष, अनगिनत क्रांतिकारी जिनकी चरण रज इस बंगाल की मिट्टी पर पड़ी है, जिन महापुरुषों के पैरों की धूल, इन महापुरुषों के पैरों की धूल बंगाल की माटी, भाइयों बहनों वो माटी, उसका रसगुल्ला मोदी को मिलेगा, ये तो मोदी के लिए प्रसाद होगा, प्रसाद। दीदी मेरा भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि मेरे लिए मिट्टी पवित्र है, मेरे लिए मिट्टी प्रेरणा है, मेरे लिए मिट्टी ऊर्जा है। दीदी मैं इंतजार करूंगा, दीदी मैं इंतजार करूंगा बंगाल की मिट्टी के रसगुल्ले की। मैं आपका बहुत आभारी हूं दीदी, मैं एडवांस में आपका आभार व्यक्त करता हूं, ऐसा ऐसा पवित्र प्रसाद किसी के नसीब नहीं होता है। इसके बाद दीदी के रसगुल्ले में पड़ने वाले कंकड़ पत्थर पर भी मोदी ने कुछ ऐसा घुमाया कि खुद ममता भी हैरान हो गई होगी। मोदी ने कंकड़ को बंगाल की हिंसा से जोड़कर कह दिया कि मुझे कंकड़ मिलेगा तो कम से कम यहाँ के लोगों पर पड़ने वाले पत्थर कम होंगे। और दीदी आपने ये भी कहा है इस रसगुल्ले में यहाँ के पत्थर भी होंगे, मैं इसके लिए भी आभारी हूं, क्योंकि आप जितने रसगुल्ले बना के भेजोगी उसमें जो 50-100 पत्थर आएंगे, तो जो पत्थर तुम्हारे गुंडे यहां के निर्दोष नागरिकों के सर फोड़ने के लिए काम लेते हैं, वो पत्थर भी तुम मुझे भेजोगी तो इस बंगाल के 50-100 नागरिकों के माथे भी बच जाएंगे, जरूर पत्थर भेज दो मुझे। और जितने ज्यादा भेज सकती हो भेज दो, ताकि यहाँ के नागरिकों के माथे फूटने से कम इतने पत्थर तो कम हो जाएंगे। पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच छिड़ी रसगुल्ले पर सियासी जंग, पर दोनों के बीच वार और पलटवार जारी है, मगर इस सियासी युद्ध में पीएम मोदी भारी पड़ते दिख रहे हैं। जिस तरह से ममता के रसगुल्ले को पीएम मोदी ने बंगाल की हिंसा और महापुरुषों से जोड़ दिया, उसने ममता की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी होंगी। अब देखना यह है कि रसगुल्ले पर मोदी के पलटवार के बाद ममता बनर्जी किस तरह से जवाब देती हैं। वैसे मोदी ने ममता के रसगुल्ले पर जवाब देने के अलावा और भी कई मुद्दों पर ताबड़तोड़ हमला बोला। आगे देखिए पीएम मोदी की श्रीरामपुर रैली का पूरा भाषण। साथियों, इन्हीं महापुरुषों ने पश्चिम बंगाल को सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र बनाया है। अब उन्हीं के आशीर्वाद से आपका ये मोदी, आपका ये चौकीदार बंगाल का पुराना गौरव वापिस लाएगा। भाइयों, साथियों, भारत की राजनीति में इतना उत्साह देखकर के और इतना विशाल जनसागर देखकर आज मेरा भी मन करता है खुल करके बोल लूं, जी भर के बोल लूं।
दीदी क्या होगा तुम्हारा। साथियों, मैं कुछ गंभीर बात बताना चाहता हूं और पूरे देश के लोगों के सामने बताना चाहता हूं। साथियों, भारत की राजनीति में आज तक चार प्रकार के दल, या कहो चार प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर देखे गए हैं। पहला है नामपंथी, दूसरा है वामपंथी, तीसरा है दाम और दमनपंथी, और चौथा है विकासपंथी। नामपंथी यानी जो सिर्फ अपनी वंशवादी नेता का नाम जपे, नेता में योग्यता हो या न हो उसे राजा महाराजा मानकर उसका ही गुणगान करे, ये है नामपंथी। आज देश में ये नामपंथियों की पहचान करने के लिए मुझे किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे हैं वामपंथी, यानी जो नकारी जा चुकी, रिजेक्ट की हुई विदेशी विचारधारा को भारत पर थोपने की कोशिश करे, भारतीयता का अपमान करे, और तीन दशक तक जिस करतूतों को बंगाल की जनता ने जेला है वो है वामपंथी। जो नक्सलवाद को दाना पानी दे रहे हैं भाइयों बहनों। तीसरा है दाम और दमनपंथी। दाम और दमनपंथी यानी जो धन और बाहुबल की ताकत पर सत्ता पर कब्जा करें और लोगों को ही अपना गुलाम बनाने की कोशिश करें। इन और आज बंगाल पहले नामपंथियों का शिकार हुआ, बाद में वामपंथियों का शिकार हुआ, उसके बाद दाम और दमनपंथी का शिकार हुआ, आज दाम और दमनपंथी की चुंगाल में बंगाल फंसा हुआ है। उसको बचाने के लिए चौथा राजनीतिक कल्चर है विकासपंथी। ये विकासपंथी का मतलब है विकास, देश का विकास, जन सामान्य का विकास, लोगों के सपनों के अनुसार विकास, और उस विकास पंथ को लेकर चलने वाली एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के लिए दल से बड़ा देश है, जिसके लिए देश का विकास, देश के लोगों का विकास ही सर्वोपरि है। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में जो सत्ता में है, जो तृणमूल वाले हैं, उसकी विचारधारा पूरी तरह से दाम और दमनपंथी है। दाम की बात करें तो किसी को घर बनाना है तो टीएमसी के दादाओं से परमिशन चाहिए,